ज्यादा चाहिए उतना ज्यादा पपीता। छोटा वाला पपीता है ना पका हुआ, उसको तोड़ना है। ओए टूट जाओ। ओए हाँ यहाँ ये देखो काटा, बार बार मेरे हाथ में लग जा रहे हैं। दो फल प्राप्त हो चुके हैं, अब हम इसे लेकर घर चलते हैं और इसे खाते हैं, मतलब सेवन करते हैं। आज हम चर्च चलेंगे। इतना भी तबीयत खराब हो, देखो आप अपनी जिंदगी जीना मत छोड़ो। सो गाइस मैं अभी पालक और आलू की सब्जी बना रही हूँ, एंड मैंने यहाँ पे प्याज कट कर रखा है और ये है लहसुन यहाँ पे। आप एक बार जरूर घर पे बना के देखना। चलो फिर हम खाना खा लेते हैं। सो गाइस मैं अभी जा रही हूँ नहाने और यहाँ पे मैंने पानी गर्म कर रखा है, पानी डाल भी दिया है इसमें मैंने, तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने, फिर नहा के फिर रेडी होती हूँ, फिर मुझे चर्च को जाना है। बस अच्छा लगता है मुझे, मैं ना मतलब इस सिटी में रहती हूँ बट मुझे चर्च का कुछ भी पता नहीं है। जल्दी से नहा कर फिर मैं मिलती हूँ, ठीक है बाय। पता नहीं लोग कैसे ठंडी में नहा लेते हैं, मेरी तो हालत ख़राब हो रही है। तो गाइस यहाँ पे मैं धूप में बैठी हूँ, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, एंड ये एंड की बीमारी कब जाएगी हमको। और मैं ये नहाई हूँ, मम्मी ने बहुत डांटा मुझे कि नहाती नहीं है, तो मैं फाइनली मैंने प्रूफ कर दिया कि मैं नहा सकती हूँ, मुझे डर बिल्कुल भी नहीं। ठंड अपनी चरम सीमा पे है और हमें अपने बॉडी का ख्याल रखना है, तो ऑल इन वन आपको वैसलीन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये इस्तेमाल करें, इस पर विश्वास करें। डाबर आमला ऑल इन वन है, इसमें बाल में भी लगा सकते हैं, बॉडी पे भी लगा सकते हैं, सब कर सकते हैं, हम इंडियन ऐसे ही हैं। डाबर आमला गाइस ये देखो, ये पूरा डाबर आमला हिमालय बेबी पाउडर एंड वैसलीन इधर यूज़ किया जा रहा है और तेल अलग से यूज़ किया जा रहा है, एंड इधर ऐनक, इतने सारे मेकअप इस बच्ची के, बताओ बहुत गलत कर रही हो तुम। अच्छा हम सिर्फ ऑयल लगा के आए हैं बाल पे और पूरा बॉडी पे और तुम इतना सारे यूज़ कर रही हो। काजल मेकअप देख लो गाइस, मेकअप इतने सारे मेकअप है इनके, नेल कटर भी ले ली, मतलब इसके सामान पे हाथ नहीं लगाना है मुझे। दिखाओ ये क्या है, ये सब मेरा सामान है, चलो पैक करो, तो सारा पैक करो। सोई हुई है, क्या लगाऊंगी फेस पे, वाकई ऐसे नहीं दिखना है। लिपस्टिक लगाऊंगी तो कुछ थोड़ा ठीक लगेगा कि हाँ मैंने कुछ करा हुआ है फेस पे,
एंड ये सारी चीज़ें तो वैसे ही दिखनी ही है, तो कोई फ़ायदा नहीं कुछ लगा कर। तो मैं नहीं कुछ लगाने वाली, और थोड़ा सा काजल लगा लेंगे, थोड़ा सा लिपस्टिक, बस हो गया। मम्मी छत पे है, तो मम्मी नीचे आने से पहले, मतलब जब वो नीचे आएगी उससे पहले हम लोग रूम करा जाते हैं। बस थोड़ा सा तो देखना है, थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँगी। सो गाइस, ये है मेरा फाइनल लुक। हम बस 10 मिनट में वो करा रहे हैं। प्यारी समझ गई है, काफी अच्छा है यहाँ पे क्रिसमस डे, तो ईसाई धर्म धर्मवासियों को जो त्यौहार है, यहाँ पे आकर के मोमबत्ती जला रहे हैं, यीशु भगवान से यहाँ पे अपनी मनोकामना के लिए यहाँ पे मांग रहे हैं। चलिए, और भी लोग आए हुए हैं, वो लोगों से भी मैं बातें करूँगा। अच्छा, यहाँ पे आप आए हुए हैं क्रिसमस डे, किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है, अभी जस्ट आए हुए हैं। पहले भी आए थे? पहली बार? पहली बार आए। मतलब यहाँ पे आके अच्छा लग रहा है? जो लोग नहीं आए हैं उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोग सब आइए, बहुत अच्छा, डेकोरेशन भी बहुत अच्छा। I am sorry, Babu. So guys, अब हम चलते हैं बाहर। कुछ इस तरह का नजारा है। छत पे थी और अभी दूसरी तरफ देख रही थी। सो गाइस, बहुत मजा आया, बहुत बहुत मजा आया। लेकिन मैं 3:15 में गई थी और 3:30 में आ रही हूँ, तो समझ सकते हो सिर्फ 15 मिनट मैंने स्पेंड करा है, तो वहाँ पे सिर्फ कैंडल जल रहे थे। मैंने भी कैंडल जलाया एंड आपसे बात कर रही थी, बट इतना ज़्यादा शोर था, इतना ज़्यादा शोर था कि अब तक मेरी आवाज़ पहुँच ही नहीं पाई। सो मैं कुछ खास रेडी तो होकर नहीं गई थी, बस ऐवे ही बाल झड़ा था और ऐसे ही निकल गई थी। मेरा तो हमेशा कुछ नहीं यही रहता है, मतलब ऐसे ही मैं निकल जाती हूँ।